एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज का दिन भी काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा धूप नहीं लगी है, बट जितनी लगी है कम से कम लगी है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से तो बारिश ही कंटिन्यूसली लगी हुई थी। और फिर मैंने कोई व्लॉग भी नहीं शूट किया। और अभी सुबह के 9:30 बजे आई थिंक, और मैं जा रही हूँ अपने गाँव, क्योंकि मुझे जाना है खेत को। और फ़िलहाल मैं भी घर से निकली हूँ। यहाँ पर है घर, जो भी दिख नहीं रहा होगा, पेड़ों के पीछे क्योंकि। और अभी फ़िलहाल मैं निकल पड़ी हूँ। और मुझे जाना है खेत को क्योंकि फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, और चेक करना है कि कितनी फूल निकल गए हैं या फिर निकल रहे हैं, मतलब सिचुएशन क्या है खेत की। और फिर उस करके मम्मा ने भी आज घर आना है। सो फिलहाल मैं जा रही हूँ गांव। यहाँ से गांव अभी दिखता नहीं है क्योंकि काफ़ी दूर है। और फिलहाल चलते हैं। ये रास्ता मेरे पास है पानी की बाल्टी, क्योंकि यहाँ से शाम को पानी लेके जाना है जब मैं वापस आऊँगी। ये है ऊपर घर, और यहाँ मैंने पानी की बाल्टी रख दी है परे नाले में, वहाँ पे ताज़ा पानी आता है चश्मे का। और ये है सामने पार्क गांव, एक ही घर दिख रहा है फ़िलहाल अभी, बाकी घर परे वाली साइड धार के। और अभी फ़िलहाल मैं घर के नीचे हूँ और मुझे पहुँचना है अभी पार। ये जो सामने ये वाली धार दिख रही है, यहाँ पर है मामू का गांव। और यहाँ पर अभी ऊपर टॉप में धूप नहीं आई है। और अभी मैंने शीतल को कॉल करी थी तो वो अभी खेत में आलू लगा रही है, वो है यहाँ टॉप में ऊपर। काश शीतल तू यहाँ से दिख रही होती, मैं जूम कर करके तेरे को दिखाती। और फिलहाल फटाफट चलते हैं, बातें नहीं करते ज़्यादा, अदरवाइज मैं रास्ते में ही रह जाऊंगी, गाँव नहीं पहुंचूंगी आज। आप लोग साउंड सुन सकते हो जंगल में, कितनी मतलब प्यारी प्यारी सी आवाजें आती रहती है। और ये हमारे पहाड़ों में ही होता है, अदरवाइज शहरों में तो गाड़ियों की आवाज ही सुनाई देती है, बाकी कुछ नहीं। यह है कैंची। पहले से फटाफट अपने बाल टाई कर रही थी क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, एक एक लौता क्लचर था और एक रबड़ था, वो मैंने पता नहीं कहाँ गुम कर दिए, मुझे नहीं पता कहाँ डालती हूँ। फटाफट बाल बना देती हूँ। और ये रोड फिलहाल यहीं तक है, यहाँ से गांव स्टार्ट हो जाता है। और मैं अभी गांव नहीं जाऊँगी, मैं इस घर के आगे होकर ही निकल जाऊँगी खेत को। मुझे प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी और मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी, ऐसी धूप में मैं पानी की बोतल साथ में लाई, और अब मुझे प्यास लग रही है तो मुझे गांव जाकर ही पानी पीना नसीब होगा। गाइस, अभी मैं गांव की तरफ ऊपर जा रही हूँ और अब गांव के लिए बिल्कुल चढ़ाई लगने वाली है, और धूप भी काफ़ी तेज़ है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मुझे प्यास लगी और पानी नहीं है,
फिलहाल फ़ोन में बैटरी भी नहीं है। मैं आपसे गांव में ही मिलती हूँ। ये खेत में बाड़ी है और यहाँ से साफ, यहाँ पे साफ पानी होता है और यहाँ से पानी देवता जी को सुबह शाम पूजन के लिए ले जाया जाता है और यहाँ से ऊपर लोग नंगे पैर चलते हैं। जब पूजन के लिए पाची कहते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में, वो ले जाते हैं यहाँ से, यानी कि पूजन के लिए पानी ले जाना उसको पाची बोलते हैं। और जब हमारी टर्न होती है तो पापा, जहाँ मैं आज सुबह बाल्टी छोड़ के आई हूँ, वहाँ से पानी लाते हैं, वहाँ से गांव तक नंगे पैर आते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से ले जानी होती है तो हमें पहले ऊपर से यहाँ पहुँचना पड़ता है और यहाँ से फिर वापस गाँव जाना पड़ता है। तो फिर पार हो जो पानी है वो भी मिट्टी के नीचे से ही निकलता है, तो पापा बाहर से ही पानी ले आते हैं। यहाँ से गांव स्टार्ट हो जाता है ऊपर तक। जो मैंने आधे पता आपको एक घर दिखाया था वहाँ तक, ये है हमारे गांव का डोम देवता जी का मंदिर। ये पूरा गांव मंदिर, ये घर, ये भी देवता जी का ये टेम्पल है, ये गांव, यहाँ से बाहर हाल किचन में बैठी हूँ और मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, तो मुझे फ़ोन चार्जिंग पे लगाना है। बाहर बहुत तेज़ धूप है तो इस वजह से भी हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और मेरे बाल भी खुल गए। बट अभी तक किसने सर्वाइव किया, एक भी बाल नहीं निकला था, मैंने दांतों निकाला उसके बाद बाल खुल गए। और ये रूम काफ़ी ठंडा है, मेरी हालत अभी है नहीं इतनी अच्छी कि मैं धूप वाले कमरे में बैठूँ। और अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करने वाली हूँ तो आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। हे गाइस, 2 बज गए हैं और मैं अभी तक यहीं पर हूँ। फ़ोन में भी 79% बैटरी हो गई है और अब मुझे घर जाना है। उससे पहले ये बाल ड्राई कर लेते हैं। सो मैं गांव से घर की तरफ निकल गई हूँ और अभी थोड़ी देर पहले धूप नहीं थी तो मैंने सोचा मैं घर निकल जाती हूँ, फायदे में रहूँगी। बट जब मैं गांव से ऊपर आने लगी, इस साइड धूप आ गई और फिर से धूप। बस एक बार मैं घर पहुँचाऊँ फिर तो आराम ही आराम है। और आज मम्मा भी आ रहे हैं, मेरा जूस पीने का बहुत मन कर रहा था। मैंने मम्मा को बोला, मैं कहा प्लीज़ मेरे लिए ले आना, और मम्मा कह रहे हा, और तो नहीं कुछ। मैं कह नहीं, बस इतने ही ले आना, मैं कहा मजाक बिल्कुल नहीं कर, सच में ले आना। अब पता नहीं मम्मा लाते हैं कि नहीं लाते, या फिर मुझे मजाक में उड़ा दिया, क्या कह सकते हैं। और अभी फिलहाल मैं घर पहुँचाऊँ, वही काफ़ी है मेरे लिए। मैं पानी में भी खुश हूँ, जूस देना। और
जैसे ही मैं खेत से गांव पहुंची थी, मैंने सबसे पहले पानी पिया, उसके बाद बॉटल में पानी लाया, उसके बाद और पानी पिया, पर मुझे फिर से प्यास लग रही है इस तेज धूप की वजह से। मुझे धूप में रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है और हालत ख़राब हो जाती है। फिलहाल फटाफट चलते हैं घर की तरफ, अभी वहाँ पहुँचना है और ये ऊपर NH वो भी इतना दूर लगता है वहाँ से, और यहाँ से तो फिर मैं तो ये सोचती हूँ कल दिन जब हम गांव में शिफ्ट हो जाएंगे, अगर मुझे यहाँ से रोड जाना होगा तो मैं जाऊँगी कैसे। सबसे पहले मुझे यहाँ से पार जाना पड़ेगा, पार पे ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो डायरेक्ट ऊपर रोड रास्ता जाता है उसमें मैं आई थिंक ही कभी गई हूँ, और रोड है ऊपर NH वहाँ है जहाँ ये घर सा दिख रहा है, वहाँ तक मैं पैदल नहीं पहुँच पाऊँगी, इतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं मुझ में और ना ही कभी ऐसे ऊपर गई, रास्ते का भी नहीं पता, कभी आना जाना ही हुआ। हम इधर से आते जाते हैं, साफ साफ पानी, मैंने फटाफट पानी पी लेती हूँ। ये है पानी का सोर्स जो कि यहाँ मिट्टी के नीचे से निकला हुआ है, आधा पानी वहाँ जाता है और आधा यहाँ आता है, और आप देख सकते हो पानी साफ है और पानी की बाल्टी भर गई है मेरी, इसको निकाल देते हैं। पानी की बाल्टी भी भर गई है, और मैं भी चेक कर रही थी आते आते जो मैंने क्लिप्स लिए हैं आज के, वो बहुत लंबे लंबे हैं और आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैंने अभी भी कंटिन्यू रखा, तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, सबर कराए सर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।